पुलिस महानिदेशक अखिल कुमार बुधवार की देर रात 12:45 अचानक चौरी चौरा थाना में पहुंच गए। उन्होंने परिसर की सफाई, बैरक, महिला आरक्षी के लिए शौचालय और विशेष व्यवस्था का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पुलिसिंग सिस्टम को सशक्त बनाने के दिशा में आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने परिसर में सोलर लाइट लगवाने, फरियादियों की समस्या पर खास निर्देश दिया। आपको बता दें, ADG के आकस्मिक निरीक्षण से थाने में हड़कंप मच गया। इस दौरान उन्होंने अभिलेखों की जांच, कंप्यूटर कक्ष, दीवान कक्ष आदि का निरीक्षण और ड्यूटी रजिस्टर की जानकारी ली। निरीक्षण में सब कुछ ठीक ठाक मिला। उन्होंने पुलिस को हाई टेक होने की बात कहा, अपराध पर अंकुश, गश्त पर खास नजर होने की बात कहा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ADG अखिल कुमार ने कहा, देखिए पर्पस ये था कि रात में पुलिस की क्या एक्टिविटी रहती है, कितनी सक्रिय है, उसी को चेक करने गया था। चौरी चौरा मैं करीब रात के 12 बजे के आसपास पहुंचा था। वहां पर फिर जो उपस्थित पुलिसकर्मियों हैं उनसे वार्ता की गई। 2-3 लोग पूछताछ के लिए लाए गए थे, उनसे जानकारी की गई कि क्यों पूछताछ के लिए लाए हैं और उनको पूछताछ जल्दी से समाप्त करके उनको वैधिक कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया। चौरी चौरा एक संवेदनशील क्षेत्र है हमारा, गोरखपुर से लगा हुआ, और इस देवरिया का भी उधर हमारा बॉर्डर पड़ता है। वहाँ पर हमने देखा कि वाहन चोरी, लूट और हत्याएं के केसेस हुए हैं इन द पास्ट। उसको रिव्यू किया और उसमें आगे इन तरह की घटनाओं पर कैसे रोकथाम लिया, एक सुनियोजित योजना बना के कार्रवाई करने के लिए निर्देश किए। दो तरह से आकस्मिक जाने से पुलिस थोड़ी अलर्ट रहती है, उसी को अलर्टनेस को बनाने के लिए कार्रवाई की गई थी।